हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक? उम्मीद खैरियत से होंगे। दिस इज मी सर फरहाद और यह है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मतलब सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट की दूसरा लेक्चर मैं आप लोगों को डिलीवर करने जा रहा हूँ। और दूसरा लेक्चर जो है वो है टाइप ऑफ एसी करंट, एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के टाइप्स। इससे पहला जो लेक्चर है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड किया है, उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ सर्किट समझाया था कि सर्किट क्या होता है और सर्किट के कितने टाइप्स होते हैं, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, सिंपल सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट, डीसी सर्किट, एसी सर्किट, बहुत सारे सर्किट मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो मतलब कि वो लेक्चर जो होता है जस्ट सर्किट के बारे में था कि सर्किट क्या होता है, सर्किट के कौन से टाइप्स होते हैं। और इस उस लेक्चर के आखिर में मैंने आप लोगों को ये कहा था कि यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को सर्किट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हमारा काम जो है असल काम वो सिर्फ एक ही सर्किट के साथ है और वो है एसी सर्किट। क्योंकि जनरल में तो सर्किट के दो टाइप्स है, एक को एसी कहा जाता है और एक को दूसरे को डीसी कहा जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे चैप्टर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट की है, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट की चैप्टर है एसी सर्किट की, तो मतलब कि हमने डीसी सर्किट को नहीं पढ़ना, हमने एसी सर्किट को पढ़ना है। तो डिटेल के साथ तो हम एसी सर्किट ही पढ़ने वाले हैं, इसलिए दूसरा दूसरा जो लेक्चर है आज जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो एसी सर्किट के टाइप्स के बारे में है। यहाँ पे हम एसी सर्किट पढ़ेंगे। और पहला जो एसी सर्किट का जो पहला लेक्चर है, मतलब पहले लेक्चर से जो आज दूसरा वाला लेक्चर है, लेकिन ये पहला लेक्चर हुआ एसी सर्किट के बारे में। वो फर्स्ट लेक्चर जो था वो तो जनरल सर्किट के बारे में था, लेकिन आज जो लेक्चर है ये पहला लेक्चर है एसी सर्किट के बारे में। तो मतलब कि हमारा एसी चैप्टर जो है आज इस लेक्चर से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एसी सर्किट को हम आज पढ़ेंगे कि एसी सर्किट के टाइप्स कौन से होते हैं। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि देर आर थ्री मेन टाइप ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट के थ्री मेन टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट, एक सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट होता है। और दूसरे को हम कहते हैं टू एलिमेंट एसी सर्किट। द सेकंड वन इज द टू एलिमेंट्स एसी सर्किट एंड द थर्ड वन इज द थ्री एलिमेंट्स एसी सर्किट। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल थ्री टाइप ऑफ एसी सर्किट है, और उसमें फर्स्ट जो होता है वो सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट हुआ, सेकंड इज द टू एलिमेंट एसी सर्किट एंड थर्ड वन इज द थ्री एलिमेंट एसी सर्किट। सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट कौन सा सर्किट होता है, पहले इसकी हम डिफिनेशन लिखते हैं। द एसी सर्किट विच कंजिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, Only one electrical element, element भी लिख सकते हो, element भी लिख सकते हो और component भी लिख सकते हो, is called single element AC circuit। या आप इस तरह भी लिख सकते हो, the AC circuit in which जिसमें only one electrical component is connected to an AC source alternating current source, मतलब AC generator के साथ अगर एक सिर्फ और सिर्फ एक electrical component आपने connect किया हो तो ऐसे circuit को हम क्या कहते हैं, सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट। मैंने आप लोगों को यह बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होता है या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होता है। द पार्ट ऑफ द एसी सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल
एलिमेंट या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट किसी भी सर्किट की एक हिस्से को या दी पार्ट्स फ्रॉम विच द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेड या वो हिस्से जिस पे जिससे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है वो बना होता है, तो इसमें एक हिस्से को इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं। मतलब के फॉर एग्जांपल रेजिस्टर, डायोड, इंडक्टर, कैपेसिटर, स्विच, वायर एक्सेट्रा, ये सब आपके पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है और इसमें सिर्फ एक हिस्से को इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो यहां पे सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट का मतलब ये हुआ कि वो सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ओनली वन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, वो सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो, एक ही इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो, उसको कहते हैं सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट। या वो सर्किट जिसमें सिर्फ आपने एक ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक ही इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को एसी सोर्स के साथ अटैच किया है, एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, तो ऐसे सर्किट को हम सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट कहते हैं। वैसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट तो बहुत ज्यादा है, मतलब के सर्किट के तो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, लेकिन एसी सर्किट में मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एसी सर्किट में देर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द सर्किट, देर आर थ्री मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। उसमें हमारे पास एक है रेजिस्टर, रेजिस्टर, और दूसरा है इंडक्टर, और तीसरा है कैपेसिटर। रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दीज आर द थ्री मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एन एसी इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन एसी सर्किट। तो इस तरह अगर आप सर्किट में सिर्फ एक ही एलिमेंट को कनेक्ट करते हो एसी सोर्स के साथ, तो ये सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट बनता है, जैसा कि नाम से जाहिर है सिंगल एलिमेंट, मतलब कि सिंगल एलिमेंट को हमने अटैच किया है या कनेक्ट किया है एसी सोर्स के साथ। तो अब मतलब ये हुआ कि जो सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट होता है, सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट, ये पेयर से थ्री टाइप का होता है। सिंगल एलिमेंट सर्किट एसी सर्किट जो होता है थ्री टाइप का होता है। एक होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, और एक होता है प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, इंडक्टिव एसी सर्किट, और तीसरा जो होता है वो प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट होता है। तो देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ एसी सर्किट, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट। प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट का मतलब यह हुआ कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टर को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, तो इसको प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट कहते हैं, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट का मतलब यह हुआ कि आपने सिर्फ और सिर्फ एसी सोर्स के साथ ओनली एंड ओनली क्या अटैच किया है, इंडक्टर अटैच किया है। इसमें न तो रेजिस्टर है, न कैपेसिटर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर है। इंडक्टर को एल से हम इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं, तो सिर्फ इंडक्टर, इसको इंडक्टिव कहते हैं। प्योर इंडक्टिव तो प्योर का मतलब होता है 100%, 100% तो यहां पे मौजूद नहीं है। इंडक्टर जो है वो भी वायर से बना होगा, अगर इंडक्टर वायर से बना होता है तो मतलब ये होगा कि उसकी भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो प्योर यानी 100% इंडक्टिव सर्किट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम इसको प्योर इंडक्टिव कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने इंडक्टर अटैच की हो, बाकी कुछ जो है वो कनेक्ट नहीं की हो, तो इसको प्योर इंडक्टिव कहते हैं। और इस तरह यहां पे प्योर कैपेसिटिव में लेट सपोज आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपेसिटर को एसी सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है, तो दिस इज द प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो दीज आर द थ्री मेन टाइप ऑफ सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट। पहले एसी सर्किट की थ्री टाइप है, सिंगल एलिमेंट, तो एलिमेंट थ्री एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट में हमने पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अटैच हो एसी सोर्स के साथ, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ओनली सिंगल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, इट्स कॉल्ड सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट। अब सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट में ऐसा पहले जो लेक्चर उसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बहुत ज्यादा है,
लेकिन एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ थ्री इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो मतलब यह हुआ कि सिंगल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की पर से अगेन थ्री टाइप हो गए, एक को प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट कहते हैं, एक को प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट कहते हैं और एक को प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट कहते हैं। प्योर मेरा मतलब प्योर से कि सिर्फ एक ही या तो रेजिस्टर हो या इंडक्टर हो या कैपेसिटर, बाकी प्योर 100% कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे प्योर का मतलब सिंगल है मेरा, कि या तो सिर्फ इसमें सिंगल रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर कुछ ना हो, या सिर्फ इंडक्टर हो बाकी कुछ ना हो, या सिर्फ कैपेसिटर हो और बाकी एलिमेंट ना हो। तो एन को हम कहते हैं थ्री टाइप ऑफ सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटर। और अल्टरनेटिंग करंट में जो पहला टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिंग, उसमें मेन टर्मिनोलॉजीज एन एसी है, टर्मिनोलॉजीज में पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इनको हम पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, फिर से अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम पढ़ेंगे, और इसके बाद हम फेज डिफरेंस और फेज डायग्राम इनको जब पढ़ेंगे। तो इसके बाद पहला जो आपका टॉपिक है, पहला जो आपका सर्किट स्टार्ट हो रहा है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट को सीखने के बाद हम जाएंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट पर, और प्योर इंडक्टिव सर्किट को सीखने के बाद जो है हम आएंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट पर। तो मतलब यह हुआ कि हमारा जो सर्किट स्टार्ट हो रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट में, जो हमारे सर्किट स्टार्ट हो रहे हैं उसमें हम पहले सिंगल एलिमेंट सर्किट को पढ़ेंगे, और सिंगल एलिमेंट सर्किट में हम पहले प्योर रेजिस्टिव सर्किट को पढ़ेंगे, फिर से प्योर इंडक्टिव सर्किट को पढ़ेंगे, और फिर हम लास्ट में हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट को पढ़ेंगे। जब हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट को पढ़ा तो इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा वो है टू एलिमेंट एसी सर्किट। तो टू एलिमेंट एसी सर्किट में हमारे पास जो होता है टू एलिमेंट एसी सर्किट कैसे कहते हैं, पहले इसकी डिफिनीशन लेके, द सर्किट इन विच टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, which two electrical components are connected, two electrical component are connected to an AC source। अगर हम ऐसा सर्किट बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जिसमें अगर हम सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसको टू एलिमेंट एसी सर्किट कहते हैं। और ये जो टू एलिमेंट होते हैं, टू इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इस कार्ड यहां पे लेके, ये जो टू इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं ये सीरीज में भी हो सकते हैं और पैरेलल में भी हो सकते हैं। तो ये सर्किट इन विच टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, यदि एन एसी सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आइदर सीरीज आर इन पैरेलल, इस तरह लिख सकते हो, या दूसरा डिफिनेशन भी लेके, दी एसी सर्किट, वो एसी सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो कि दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, आइदर इन सीरीज, या तो सीरीज में आर इन पैरेलल या पैरेलल में, आइदर इन सीरीज आर इन पैरेलल इज कॉल्ड टू एलिमेंट एसी सर्किट। दो तरीकों से आप कह सकते हो टू एलिमेंट एसी सर्किट की डिफिनीशन, या तो आप इस तरह कह सकते हो कि द सर्किट इन विच टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स इज कॉल्ड टू एलिमेंट एसी सर्किट, या इस तरह भी कह सकते हो कि द सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ, वो सर्किट जो कि मुश्तमिल होता है ऑफ टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, दो इलेक्ट्रिकल है सुपर मुश्तमिल होता है, और ये जो दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो या सीरीज में हो और या पैरेलल में हो, तो इसको हम कहते हैं टू एलिमेंट एसी सर्किट। तो टू एलिमेंट एसी सर्किट में हमारे पास टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, और टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में हमारे पास रेजिस्टर और इंडक्टर भी हो सकता है,
रेजिस्टर और इंडक्टर, या रेजिस्टर और कैपेसिटर भी हो सकता है, या इंडक्टर और कैपेसिटर भी हो सकता है। मतलब यह हुआ कि आपने रेजिस्टर और इंडक्टर को एक जगह लगाया, आपने रेजिस्टर और कैपेसिटर को लगाया एक सर्किट में, या आपने कैपेसिटर और इंडक्टर को लगाया एक ही सर्किट में, तो ऐसे इस सर्किट को हम टू एलिमेंट एसी सर्किट कहेंगे। यहां पे जो टू एलिमेंट एसी सर्किट है हमारे पास वो दो किस्म के हैं। टू एलिमेंट एसी सर्किट हमारे पास दो किस्म के हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है आर एल एसी सर्किट, और दूसरा जो है उसको कहते हैं आर सी एसी सर्किट। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, आर एल एसी सर्किट एंड आर सी एसी सर्किट। इसके अलावा एल सी एसी सर्किट भी हो सकता है, एल सी एसी सर्किट, क्योंकि ये भी टू एलिमेंट एसी सर्किट हुआ, लेकिन हमारे बुक में जो है वो एल सी हम यहां पे नहीं पढ़ेंगे, आर एल पढ़ेंगे और आर सी पढ़ेंगे। ये दो सर्किट, जनरल एल सी भी हो सकता है इंडक्टर, और जनरल में आप लिख सकते हो एल सी एसी सर्किट, तो जनरल में आप लिख सकते हो, लेकिन हमारे बुक में जो है वो ये दो है, ये एल सी हमारे पास नहीं है। आर एल एसी सर्किट का मतलब ये हुआ कि वो टू एलिमेंट सर्किट जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर हो, वो एसी सर्किट जो कि रेजिस्टर और इंडक्टर पर मुश्तमिल हो उसको आर एल एसी सर्किट कहते हैं। कैसे लिखेंगे? विच कंजिस्ट ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टर। रेजिस्टर और इंडक्टर पर जो एसी सर्किट मुश्तमिल होता है उसको आर एल एसी सर्किट कहते हैं। आर सी एसी सर्किट का मतलब होता है कि विच कंजिस्ट ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, जो कि रेजिस्टर और कैपेसिटर पर जो सर्किट मुश्तमिल होता है उसको आर सी एसी सर्किट कहते हैं। और आर एल एसी सर्किट में एल सी एसी सर्किट में जो होता है वो सर्किट होता है विच कंजिस्ट ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जो कि इंडक्टर और कैपेसिटर पर मुश्तमिल सर्किट को एल सी एसी सर्किट कहते हैं। तो एक आर एल एसी सर्किट है, एक आर सी एसी सर्किट है और एक एल सी एसी सर्किट है। आर एल सर्किट में जो होता है उसमें एक रेजिस्टर होता है, आर से मतलब रेजिस्टेंस और एल से मतलब इंडक्टेंस, मतलब कि रेजिस्टर और इंडक्टर होते हैं। और आर सी एसी सर्किट में आर से मतलब रेजिस्टेंस, सी से मतलब कैपेसिटेंस, मतलब रेजिस्टर और कैपेसिटर होंगे। और एल सी एसी सर्किट में इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर होंगे। तो इस तरह के हम मुख्तलिफ टू एलिमेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को कंबाइन करके हम टू एलिमेंट एसी सर्किट बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पे आर एल में फिर हम दो तरह के सर्किट बना सकते हैं। आर एल में एक होता है आर एल सीरीज और एक होता है आर एल पैरेलल। एक आर एल पैरेलल एसी सर्किट हुआ और एक आर एल सीरीज एसी सर्किट हुआ। आर एल सीरीज में हमने क्या किया, आर एल सीरीज में हमने एक आर है हमारे पास रेजिस्टर, और इस रेजिस्टर को हमने इंडक्टर के साथ अटैच किया सीरीज में एसी सोर्स को कनेक्ट करके। तो इस तरह ये बना आर एल सीरीज। यहां पे देखें, आर एल सीरीज का मतलब ये हुआ, आर एल तो है लेकिन आर एल में फिर से आर एल सीरीज है या आर एल पैरेलल है, इसलिए मैंने फिर से दो टाइप्स लिखे। आर एल सीरीज में आर और एल सीरीज में होता है, और आर एल पैरेलल में क्या होता है, आर एल पैरेलल में आपके पास एक रेजिस्टर होता है और एक इंडक्टर होता है, और रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं जी। तो अगर आपके पास रेजिस्टर और इंडक्टर पैरेलल में है तो मतलब ये हुआ कि
ये बना RL पैरेलल एसी सर्किट, और अगर आपके पास अंडर फ्लो रेजिस्टर सीरीज में है और एसी सोर्स के साथ अटैच हुए है, तो इसका मतलब हुआ कि ये RC RL सीरीज सर्किट हुआ। तो इस तरह RC एसी सर्किट में जो होता है, RC एसी सर्किट में उसमें फिर से दो किस्म के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक जो होता है वो क्या होता है, एक में जो रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर और कैपेसिटर ये सीरीज में होते हैं जिसको RC सीरीज कहते हैं, और दूसरे में जो रेजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं वो पैरेलल में होते हैं जिसको RC पैरेलल एसी सर्किट कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ RC सर्किट आल्सो, वन इज RC सीरीज एंड सेकंड वन इज RC पैरेलल। इन RC सीरीज सर्किट द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द एसी सोर्स, while in RC parallel circuit the resistor and capacitor are connected or in parallel with each other and attached to AC source. तो यहाँ पे हमारे पास ये let's suppose resistor हुआ और ये inductor हुआ, और इस resistor और inductor को हमने AC source के साथ attach किया, और यहाँ पे भी एक हमारे पास let's suppose ये resistor हुआ और दूसरा जो होता है वो capacitor हुआ, और resistor और capacitor दोनों को हमने सॉरी रेजिस्टर और कैपेसिटर को हम पैरेलल में ही अटैच करेंगे। ये रेजिस्टर हुआ और ये कैपेसिटर हुआ, और इन दोनों को हमने पैरेलल में अटैच किया और यहां पे एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया इस तरह। तो वो सर्किट जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं RC सीरीज कहते हैं, और रेजिस्टर और कैपेसिटर को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उसको RF पैरेलल एसी सर्किट कहते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ टू एलिमेंट एसी सर्किट। इसके अलावा LC में भी इस तरह है कि अगर आप इंडक्टर और बाकी जो कैपेसिटर होता है, जैसा कि मेटालिक डिटेक्टर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जब हम मेटालिक डिटेक्टर पढ़ेंगे तो मेटालिक डिटेक्टर में हम ये वाला सर्किट पढ़ेंगे। फिलहाल इस सर्किट की जो वर्क फंक्शन है, मतलब इस सर्किट को हम नहीं पढ़ने वाले, लेकिन मेटालिक डिटेक्टर में इसको थोड़ा सा हम टच देंगे। बाकी हमारे बुक में जो होता है ये जो यहाँ पे एक और बार ये RL पैरेलल और RC पैरेलल ये भी हमारे बुक में नहीं है। हमारे बुक में मतलब कि इस चैप्टर में जो सर्किट्स है उसमें प्योर रेजिस्टर है, प्योर इंडक्टर है, प्योर कैपेसिटर है, इसके बाद RL सीरीज है और RA और RC सीरीज है। RL पैरेलल और RC पैरेलल भी नहीं है, और इसके अलावा RL AC सर्किट तो बिल्कुल नहीं है, उसमें ना तो पैरेलल है और ना ही सीरीज है। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन इसकी जो कर रहा हो, तो यहां पे देखिए ये मैंने दो सर्किट आप लोगों को बनाए, और इन दो सर्किट में अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं, तो इन इसको कहते हैं LC पैरेलल, और यहाँ पे L और C दोनों सीरीज में कनेक्ट हुए हैं तो इसको कहते हैं LC सीरीज। तो ये है आपके पास टू एलिमेंट एसी सर्किट के टाइप्स। अब हम आते हैं एट लास्ट थ्री एलिमेंट एसी सर्किट पर। तो थ्री एलिमेंट एसी सर्किट जो है, थ्री एलिमेंट एसी सर्किट, उसके पहले मैं आप लोगों को उसको डिफाइन करता हूं। पहले तो हम लिख सकते हैं कि दी एसी सर्किट which consists of three electrical components are called थ्री एलिमेंट एसी सर्किट। जैसा कि नाम से जाहिर हुआ है, थ्री एलिमेंट एसी सर्किट का मतलब यह है कि इस एसी सर्किट में आपने, मतलब कि इस एसी सर्किट को आपने तीन एलिमेंट से बनाया हुआ है, उसमें रेजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि वो एसी सर्किट जो कि मुश्तमिल होता है थ्री इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या थ्री इलेक्ट्रिकल एलिमेंट पर, उसको थ्री एलिमेंट एसी सर्किट कह सकते हो। या आप इस तरह भी लिख सकते हो कि इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट इन विच
इन विच ऑफ थ्री इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, थ्री इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू इन एसी सोर्स, या वो सर्किट जिसमें आपने एसी सोर्स के साथ थ्री इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्ट हो इज कॉल्ड थ्री इलेक्ट्रिकल एलिमेंट एसी सर्किट या थ्री एलिमेंट एसी सर्किट। और थ्री एलिमेंट एसी सर्किट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किट है और इसको कहते हैं आर एल सी सीरीज एसी सर्किट, आर एल सी सीरीज एसी सर्किट, इसको आरएलसी सीरीज एसी सर्किट कहते हैं। थ्री इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो एसी सर्किट होता है, थ्री एलिमेंट एसी सर्किट, उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही सर्किट है और उसको कहते हैं आरएलसी सीरीज एसी सर्किट। आरएलसी सीरीज एसी सर्किट में जो होता है इसमें एक होता है रेजिस्टर और दूसरा होता है इंडक्टर और तीसरा होता है कैपेसिटर। रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये तीनों जो होते हैं ये सीरीज में लगे होते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर एसी सोर्स के साथ, तो इसलिए इसको हम आरएलसी सीरीज एसी सर्किट कहते हो। तो मतलब ये हुआ कि आपने एसी सर्किट की जो टाइप्स है उसको पहले थ्री क्लास में डिवाइड करना होता है, सिंगल एलिमेंट, टू एलिमेंट एंड थ्री एलिमेंट। फिर सिंगल एलिमेंट की डिफिनेशन पहले आप कर ले कि डिफिनेशन क्या है, और इसके बाद मतलब वो सर्किट जो कि सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद सिंगल एलिमेंट के पर थ्री टाइप है, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव। प्योर रेजिस्टिव मतलब कि ओनली रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, प्योर इंडक्टिव मतलब ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड, एंड प्योर कैपेसिटर मींस प्योर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। इसके बाद आपने टू एलिमेंट एसी सर्किट को पढ़ना है। टू एलिमेंट एसी सर्किट का मतलब यह हुआ कि वो सर्किट जिसमें सिर्फ टू एलिमेंट हो और उसमें टू एलिमेंट जो हो तो वो एसी सोर्स के साथ अटैच हो। उसमें फिर हम कहते हैं कि हम रेजिस्टर और इंडक्टर को भी लगा सकते हैं, रेजिस्टर और कैपेसिटर को भी लगा सकते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर को भी लगा सकते हैं। तो इस तरह थ्री टाइप ऑफ जो है टाइप्स ऑफ टू एलिमेंट एसी सर्किट बनते हैं। एक होता है आर एल सर्किट एसी सर्किट, आर सी एसी सर्किट और एल सी एसी सर्किट। आर एल एसी सर्किट जो होता है उसमें एक रेजिस्टर होता है और एक इंडक्टर होता है, आर सी एसी सर्किट में एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है, और एल सी एसी सर्किट में एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर होता है। आर एल में फिर से हम दो किस्म के सर्किट पढ़ते हैं, क्योंकि रेजिस्टर और इंडक्टर को हम सीरीज में भी लगा सकते हैं, रेजिस्टर और इंडक्टर को हम पैरेलल में भी लगा सकते हैं। तो मतलब कि आर एल सीरीज एंड आर एल पैरेलल, लेकिन हमारे बुक में आर एल सीरीज है, आर एल पैरेलल नहीं है। तो इस तरह आर सी को भी हम दो तरीकों से लगा सकते हैं, आर सी सीरीज और आर सी पैरेलल। आर सी सीरीज मतलब कि रेजिस्टर और कैपेसिटर को आपने सीरीज में लगाया हुआ है, और आर सी पैरेलल मतलब कि रेजिस्टर और कैपेसिटर को आपने पैरेलल में अटैच किया है, अटैच किए हुए हैं। तो मतलब यह हुआ कि हमारे बुक में आर सी सीरीज तो है लेकिन आर सी पैरेलल नहीं है, तो हम आर सी सीरीज को ही पढ़ेंगे। और एल सी एसी सर्किट में आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं, और इंडक्टर और कैपेसिटर अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो ये एल सी पैरेलल एसी सर्किट बनेगा, और अगर आप इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हो तो ये एल सी सीरीज एसी सर्किट बनेगा। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ टू एलिमेंट एसी सर्किट। इसके बाद एट द लास्ट जो है वो है थ्री एलिमेंट एसी सर्किट। थ्री एलिमेंट एसी सर्किट का मतलब यह हुआ कि वो एसी सर्किट है जिसमें जो कि तीन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पर मुश्तमिल है, मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं थ्री है, उसमें एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर है। और इस थ्री एलिमेंट एसी सर्किट में हमारे पास सिर्फ एक ही सर्किट है हमारे बुक में, और वो है आर एल सी सीरीज। आर एल सी सीरीज का मतलब यह हुआ कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये सीरीज में लगे हुए हैं, और किसी भी सो एसी सोर्स के साथ आपने इन तीनों को अटैच किया है। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ दी एसी सर्किट्स, ये एसी सर्किट के टाइप्स है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, व्हाट इज साइनोसाइडल करंट, व्हाट इज साइनोसाइडल वोल्टेज, व्हाट इज फेज डिफरेंस, व्हाट इज फेजर डायग्राम, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक लेक्चर में, अगर हो सका तो एक लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम आएंगे पहला चैप्टर जो पहला जो टॉपिक है हमारा वह है प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। ओके, थैंक यू।